СПОКОЙНАЯ а МУЗЫКА दोस्तों अगर आप अपने बर्ड से सक्सेसफुल तरीके से अच्छी ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि बर्ड के खराब अंडे कौन से हैं और सही अंडे कौन से हैं आपको उन दोनों तरीके के अंडों की पहचान आना काफ़ी ज्यादा जरूरी है अगर आप ऐसा नहीं जानते तो आपके बर्ड रेगुलर कुछ ब्रीडिंग खराब कर सकते हैं और काफी बार क्या होता है कि बच्चों की क्वांटिटी कम निकलती है अंडे ज़्यादा खराब होते हैं अंडे तो आपके बर्ड ज़्यादा देंगे लेकिन बच्चे कम निकलते हैं तो आप जान सकते हैं कि वो अंडे खराब क्यों हो रहे हैं उनका क्या रीज़न है और अगर आप उस गलती में सुधार करते हैं तो आपके यहाँ पर भी बर्ड के बच्चों की एवरेज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर भाइयों को पता होता है कि भाई अंडों को किस तरीके से चेक किया जाता है अंडों की फ़र्टिलिटी कैसे चेक करें लेकिन मुझे ये भी पता है कि ज़्यादातर भाइयों को फर्टिलिटी चेक करना आता है लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि आपके बर्ड खराब अंडे क्यों कर रहे हैं उनका क्या रीज़न है काफ़ी बार बर्ड अंडे तो देते हैं लेकिन उनके अंदर बच्चा नहीं बनता वो एकदम पीले दिखाई देते हैं जब फर्टिलिटी चेक करते हैं और काफ़ी बार क्या होता है कि जो अंडा है वो ब्लैक दिखाई देता है कुछ टाइम में अंडे क्यों खराब हो जाते हैं किस वजह से दोस्तों अंडा खराब होता है वो आप आज के इस वीडियो में जानेंगे तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो के साथ शुरू से आखिर तक बने रहें कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि अगर आप कहीं पर भी वीडियो को स्किप कर देंगे तो कोई भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वीडियो का वो आप मिस कर सकते हैं नमस्कार भाइयों मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन दोस्तों सबसे पहले मेरे मास्टर है।, है और जो मेल है वो लवबर्ड का है अलग कर लिया था क्योंकि ये हर बार में काफी अच्छी क्वालिटी के पाइड लवबर्ड के बच्चे भी निकालता है और मिक्स अलग अलग कलर के भी बच्चे निकालता है तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको इस सेपरेट केजेस में रखा उसके बाद दोस्तों इसने फर्स्ट ब्रीडिंग यहाँ पे जब की तो फर्स्ट ब्रीडिंग इसने खराब की एक दिए लेकिन अंडे खराब हो गए उसके बाद रेगुलर इस बर्ड ने क्या है कि नए अंडे दे दिए यहाँ पर आके नए भाइयों के दिमाग में डाउट आता है कि हमारे बर्ड इतने सारे अंडे क्यों दे रहे हैं हमारे बर्ड अंडे ज्यादा देते हैं और अंडों में से बच्चे नहीं निकलते फिर हमारे बर्ड ने नए अंडे दे दिए ऐसा क्यों तो दोस्तों सबसे पहला तो स्टेप होता है कि अंडों की फर्टिलिटी चेक करें कि आप अंडों की फर्टिलिटी तभी चेक करें जब आपके बर्ड के अंडे दिए हुए कम से कम सात से आठ दिन हो चुके हो जिस अंडे की आप फर्टिलिटी चेक कर रहे हैं उस अंडे को ले किए हुए सात से आठ दिन हो चुका हो उसके बाद ही आप फर्टिलिटी चेक करें अगर आप अंडो की फर्टिलिटी चेक करते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि भाई क्या कमी के कारण हमारे बर्ड इस तरीके से कर रहे हैं इस ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर दोस्तों दस अंडे हैं और दस अंडों में से आपको कुछ अंडे तो दूर से ही दिखाई दे रहे होंगे कि भाई ब्लैक टाइप के पड़े हैं कुछ अंडो का जो है वो कलर सही नहीं है और आप सोच रहे होंगे कि भाई जो अंडा बिल्कुल वाइट है वो सही है दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अंडा बिल्कुल व्हाइट है और वो अंडा खराब भी हो सकता है जी जिया वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरीके से तो आप वीडियो के साथ बने रहे तो दोस्तों हम लवबर्स के दस अंडो को इस बाउल में सबसे पहले हमने अलग किया है और एक हाथ में हमने अपना मोबाइल लिया है जिसकी जो है फ्लेश हमने ऑन की है हमने ये एक अंडा रखा है जिसकी चमक काफी अच्छी है वाइटनेस है उसमें और ये दोस्तों आप देखे बिल्कुल ही आपको येलो दिखाई दे रहा है जबकि इस अंडे को ले किए हुए दस से ज्यादा दिन हो चुके हैं अब तक दोस्तों इस अंडे के अंदर रेड रेस से आ जाने चाहिए ये अंडा पीला ना दिखकर रेड दिखना चाहिए इसका मतलब ये जो अंडा है ये खाली है दोस्तों खाली अंडा होने का क्या क्या रीजन होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपके बर्ड का जो पेड़ है वो अगर फीमेल फीमेल का पेड़ है तब भी दोस्तों इस तरीके के खाली एक जो है आपको दिखाई देंगे और ऐसा दोस्तों तब भी होता है जब नया पेयर होता है फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग कर रहा होता है इस तरीके से दोस्तों तब भी देखा जाता है कि कुछ अंडे जो है इस तरीके से खाली हो अगर बर्ड्स के बैठने की जो स्टिक है जो लकड़ी है वो अगर सही नहीं लगी हुई और अगर बर्ड्स की प्रॉपर मेटिंग नहीं होती तब भी ऐसा देखा जाता है इसके बाद दूसरा अंडा आप देखें ये अंडा दोस्तों इस अंडे में आपको आधा भाग खाली दिखाई दे रहा है और आधा भाग आपको रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों ऐसे अंडे भी खराब होते हैं क्योंकि बच्चा जो है पूरी तरीके से बन नहीं पाता है तो इस तरीके के अंडे भी खराब होते हैं उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर यह है कि आप देखें ये अंडा क्रेक हो रखा है मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स से अगर आपके बर्ड एक बार अंडे को बाहर फेंक देते हैं उसके बाद उस अंडे को आप वापिस अंदर ना रखें दोस्तों अंडे के क्रेक होने के भी दो रीजन होते हैं एक तो ये होता है कि अगर, अगर आपके बर्ड डिस्टर्ब होकर उस अंडे को अगर मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर फेंक देते हैं तब भी जो है अंडा क्रेक हो जाता है इसके अलावा अगर आपके बर्ड में कैल्शियम की कमी है आपके बर्ड रेगुलर ब्रीडिंग कर रहे हैं कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो रही है और अगर आप अपने बर्ड को कैल्शियम ब्लॉक समुद्री जाग या अच्छी डाइट नहीं देते हैं तब दोस्तों क्या होता है कि आपके बर्ड के जो अंडे हैं उनका जो सेल है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता में जो है वो जल्दी फूट जाता है अपनी फीमेल के अंडे फोड़ देते हैं बार बार मटकी ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जाते हैं जो कि एग्रेसिव हो रखे होते हैं मेटिंग के लिए तो इस दौरान भी दोस्तों वो जो है अंडे फूट जाते हैं तो आप अपने बर्ड को अच्छा कैल्शियम विटामिन देते रहे अच्छी डाइट देते रहे फिर आप देखें दोस्तों ये जो अंडा है ये आपको ब्लैकनेस दिखाई दे रही होगी उसके बाद सही अंडे की जो पहचान है वो आप देखें ये जो अंडा है ये नीचे से थोड़ा सा खाली है बाकी भरा हुआ है और आपको रेट दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तों ये एक बिल्कुल सही है और ऐसे एक को आपको वापस रख देना है उसी मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर तो दोस्तों ये एक बिल्कुल सही है उसी तरीके से दोस्तों हमने बाकी के एक जो है वो वापस रख दिए हैं इस ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर ताकि फीमेल जो है इन अंडों पर बैठेगी और बच्चे जो है वो निकाल देगी अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ डेथ इन सेल अंडे के अंदर बच्चा क्यों मर जाता है इसकी दोस्तों काफी वजह होती है सबसे पहली वजह होती है टेम्परेचर अगर टेम्परेचर सही नहीं है हवा के अंदर अगर नमी है अंडे के ऊपर दोस्तों कुछ बारीक छिद्र होते हैं जिस वजह से जो बच्चा है जो विकसित हो रहा होता है उसे श्वास लेने में वो जगह मदद करती है ऐसे में दोस्तों अगर हवा में नमी होती है तो इस वजह से जो छिद्र है वो जो है रुक जाते हैं या काफी बार आपके बर्ड नहा लेते हैं काफी बार आपके बर्ड अंडो पर पोटी कर देते हैं ऐसे में भी जो है इस तरीके से होता है कि बच्चा डेथ इन सेल मर जाता है अंदर ही अगर आपके बर्ड रेगुलर अंडो पर बैठ रहे हैं अंडो में बच्चा बन चुका है उसके बाद अचानक से आपके बर्ड अंडो पर बैठना छोड़ देते हैं ऐसे में भी डेथ इन सेल की प्रॉब्लम हो सकती है अगर जो मटकी है जो ब्रीडिंग बॉक्स है एक क्लच पूरा होने के बाद अगर आप सफाई नहीं करते हैं तब भी आपके जो बर्ड है वो अंडे खराब करने लगते हैं तो हर जो है वो क्लच निकलने के बाद में मटकी ब्रीडिंग बॉक्स की अच्छी तरीके से सफाई करके उसमें साफ़ सुथरा बारीक बुरादा डालना चाहिए एकदम पाउडर भी ना हो ज़्यादा बड़ा भी ना हो मीडियम साइज़ का उसके बाद अगर आपके बर्ड में कैल्शियम की विटामिन की कमी है या आपके बर्ड लंबे टाइम से रेगुलर ब्रीडिंग कर रहे हैं आप अपने बर्ड को रेस्ट नहीं दे रहे हैं वैसे दोस्तों तीन से चार ब्रीड के बाद में एक बार अपने बर्ड को रेस्ट देनी चाहिए दो से तीन मंथ की ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तब आपकी बर्ड छोटे साइज के एग ले करने लगते हैं या अंडों में बच्चे नहीं बनते हैं काफी बार दोस्तों में से निकल भी जाते हैं, तो वो काफी कुछ वजह है समझाना काफी इंपॉर्टेंट समझा तो आप मुझे बताएं कि आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया इसका टॉपिक आपको कैसा लगा वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें कमेंट करना ना भूलें और अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गए वीडियो अच्छे लगते हैं इस फैमिली के सदस्य बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाय बाय फ्रेंड्स